सो गाइस आइए आपको दिखाते हैं असली राजस्थान। तो ये देखिए हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं। ये लव नहीं डव है, ये तीन अंडे। तो बेचारा बहुत मेहनत करता है घोड़ा होने के लिए। कलुआ जैसे कि देख रहे हैं भाई, ये कुत्ता नहीं भाग रहा है। तो सोचे थे कि मतलब राजस्थान जाएंगे कोटा में, तो एलन के बाहर पूरा रेत ही रेत होगा। हम ये सोच कर आए थे कोटा चल रहा है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग एकदम अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर आए देखे झाड़ियाँ झाड़ियाँ दिखते हैं और कुछ है ही नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी बज रहा है शाम के 6, तो अभी कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, तो चलते हैं बाहर। बगल में ही दुकान है और आप लोग को दिखाएंगे भी कि जहाँ पे हम रहते हैं उसके अगल बगल का क्या सीन है, कैसा जगह है। आप लोग को कमेंट भी आ रहा था कि भाई आपने जो नया रूम लिया है उसके अगल बगल का थोड़ा सा व्यू दिखाइए जहाँ पे रहते हैं। तो अभी हम सब कुछ दिखाएंगे। शाम का समय है, 6 बज रहा होगा आसपास, 6 के आसपास। तो अभी चलते हैं बाहर और कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का क्या व्यू है और कैसे जगह पे अभी हम रह रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। सो गाइस ये देखिए, ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, ये है कूलर। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और गेट को लगाते हुए, और ये हमारा टिफिन है, और गाइस ये हमारा मेन गेट। तो गाइस इसे बंद कर दिया जाए तुरंत प्रभाव के साथ, और इस गेट को भी बंद कर दिया जाए वरना डेंगू मच्छर चला जाएगा। तो बंद हो चुका है, ये छत पे जाने का रास्ता, ये है हमारा मेन गेट। और इधर देखिए ये छोटा सा, ये देखिए, और यहाँ पे शिव जी यहाँ पे हैं जो कि अभी मेरे साथ जाने वाले हैं। तो तुरंत गेट को प्रभाव के साथ बंद कर दिया जाए। तो ये हमारे शिवचंद जी। तो चलिए शिवचंद आते कुछ खा पी के। तो शिवचंद यहाँ पे शर्माते हुए। सो गाइस देखिए, हम और शिवचंद अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और देखिए पूरा अपना बाल का तारीफ करते हुए। ये देखिए हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं, पूरा यहाँ पे देखिए मतलब कुछ नहीं है, बस ये कांटा वाला पेड़ है और पूरा खाली जंगल है देखिए पीछे मेरा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मकान है ये वाला, तो और ये गाड़ी हमारा नहीं है, वो दूसरा है। तो ये देखिए बस यही है, कुछ खास नहीं। बाकी यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह ये सब बन रहा है, और यहाँ पे है मैरिज हॉल, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो जब कभी भी शादी वगैरह होता है, शादी समारोह, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये आवाज़ होता है गाना का, एकदम डीजे वीजे बजता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अभी चलना है, और शिव जी कहीं पे खोए हुए हैं, पता नहीं कहाँ पे खोए हुए हैं। तांडव वांडव आजकल नहीं हो रहा है इनका। और ये देखिए इधर बिल्डिंग वगैरह चल रहा है, तो यही है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इधर देखिए आसपास देखिए, ये है, यहाँ से हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए पूरा जंगल झाड़ है, ये जो आपको दिख रहा होगा इतना सारा बिल्डिंग, ये कुछ और नहीं बल्कि यही है कोरल पार्क। और इधर है एलन जो कि पेड़ के कारण नहीं दिख रहा है, और बाकी इधर हम लोग वहाँ पे रहते हैं जो हमारा मकान है, और ये है रास्ता। तो इधर से भी हम चलते हैं दुकान पे और कुछ खाते पीते हैं। और गाइज ये देखिए, ये है मैरिज हॉल और यही है एंट्री गेट पीछे वाला। तो शिव जी कुछ बताइए इस मैरिज हॉल के बारे में, आपको भी डिस्टर्बेंस होता है क्या? करते हैं और रोज तो नहीं करते हैं, कभी कभी महीना दो महीना में एक बार, तीन दिन हो जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। और वहाँ पे देखिए एकदम मस्त। और अभी चलते हुए सीधा और देखते, ये देखिए ये हमारा हाईवे है, दिखाएंगे आपको अच्छे से हाईवे। और यहीं पे ये जो दिख रहा है ये है दुकान, और बाकी ये सब हॉस्टल पीजी यही सब है। इधर इधर भी बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा ये दूर पड़ता है एलन से, लेकिन इधर भी बच्चे रहते हैं। और वो जो आपको सामने दिख रहा है ये भी हॉस्टल ही है। तो भाई लोग जो बोलते हैं कि यार रूम नहीं मिलता, पीजी नहीं मिलता, भाई थोड़ा दूर जाओ, सब कुछ मिलता है यार। यहाँ पे है बहुत सारा मकान खाली है, आप लोग घूमते नहीं है और बस कमेंट करते। और देखिए हम जहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पे बस जंगल झाड़ी है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और ये आगे हम लोग दुकान पे चिप्स कुरकुरे का पैकेट दिख रहा होगा, तो पहले चलते हैं कुछ लेते हैं छोटा सा चीज़ कुछ खाने के लिए चटपटा सा, और उसके बाद हाईवे पे हो सके तो घूमने चलेंगे थोड़ा सा आगे तक जब आ ही गए हैं तो। और गाइस ये देखिए कितना अच्छा फूल है यहाँ पे लगाया गया है। और गाइस ये देखिए यही है हाईवे, इधर तो नहीं पता कहाँ जाता है, लेकिन हाँ इधर ये एलन जाता है, तो एलन जाने का रास्ता यही है, जब भी जाना होता है तो इधर से ही एलन जाते हैं। और ये नहीं पता कहाँ जाता है ये रास्ता। बोलना जल्दी क्या कहो, बोलो। चिप्स ले लेते हैं ये दो पर, बिस्कुट लगा ले लेते हैं, मैगी। ये लव नहीं डव है। ये तीन अंडे शिव जी का। अरे खींचो ना यार, अरे अच्छा से खींचो। हो गया, मेरा फट भी गया। आ जा इधर आ जा। सो गाइस चिप्स कुरकुरे वगैरह थोड़ा सा खाने के लिए ले लिए हैं, और शिव जी अपने लिए तीन अंडा लिए हैं, पता नहीं अंडा का क्या करेंगे। और एक डब साबुन लिए ताकि इनका जो त्वचा है वो थोड़ा सा गोरा हो जाए।
जो बेचारा बहुत मेहनत करता है गोरा होने के लिए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग एक कमेंट और प्यार आशीर्वाद से इसका चेहरा जो है गोरा हो जाएगा। ठीक है भाई, अपना बुरा नहीं मानता है। तो बोलो तुम। तो गाइस हम लोग देखिए, जैसे कि लेस चिप्स उप्स ले लिए हैं, कुरकुरे वगैरह, ठीक है, और चिंगम उंगम ले लिए हैं। और भाई आप क्या लिए हैं? हम लिए भाई लेस और मेरा बिस्किट और? जो आप हमसे छीन लिए हैं। नहीं भाई, छीने नहीं थे यार, हमारे पास था तो हम ही रख लिए थे। और ये बच्चा लोग को दिखाइए कितना अच्छा है। कैमरा रिटर्न कहाँ घुमा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा इसे ये देखिए, बच्चे लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अबे तुम भाग कहाँ रहे हो? अभी नए नए ब्लॉगिंग है ना, अगर तो ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस कहीं देखो। बच्चा भी हंस दिया आपके कैमरा घुमाने के स्टाइल से। जैसे कि देख रहे हैं, हम कैमरा नहीं घुमा पाए थे, इसलिए बच्चे जो है हमारे ऊपर बहुत तेज तेज था। हमको खुशी हुई कि वो खुश हुआ। अच्छा शिव जी, एक चीज बताइए। जी बताइए। हम जब मतलब कोटा आना चाह रहे थे, ठीक है, तो सोचे थे कि मतलब राजस्थान जाएंगे कोटा में, तो एलियन के बाहर पूरा रेत ही रेत होगा, लेकिन यहाँ कुछ वैसा देखने के लिए मिला नहीं। देखिए आप ये सोचे, हम ये सोच कर आए थे कोटा चल रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगे एकदम, मतलब विकसित एरिया होगा, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अमेरिका में। लेकिन यहाँ पर आए देखें, झाड़ियाँ दिखते हैं और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? मतलब जैसे आप सोच के कुछ और चीज़ आते, ठीक है, कि यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा और यहाँ पर आपको मिला जंगल जा, ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत ही घटिया लगा, यहाँ दोबारा आएंगे नहीं। अच्छा कोटा दोबारा आना? नहीं नहीं, बस लास्ट अप्रैल जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ कभी शकल नहीं दिखाएंगे। वैसा क्यों, आप क्यों नहीं आना चाहेंगे? शहर नहीं पसंद है। पसंद नहीं आया? अच्छा यहाँ के खाने के बारे में बोलिए। भाई लोग का कमेंट आता है कि यहाँ का जो खाना जो है वो अच्छा नहीं मिलता, तो खाना के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। हम तो बताते रहते हैं भाई, हमारा खत्म हो गया। ठीक खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लाइए यार। भाई हमारी चिप्स खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे हम खत्म हो गए। नहीं नहीं सर, आप अपने पॉइंट से भटक रहे हैं। हमने पूछा कि आप मतलब खाना के बारे में बताइए। लोगों का कमेंट आता है कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं होता, तो आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे? देखिए यहाँ अगर पनीर आती है तो पनीर की तरह पनीर नहीं लगेगी। ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं करना है बस। हाँ पनीर पनीर की तरह नहीं लगता है, ठीक है, कुछ और लगता है। मान लीजिए जैसे जिस दिन पूड़ी आती है, आलू पूड़ी, उस दिन चटनी भी आती है, टोमेटो सॉस तो चल जाता है, लेकिन वो जो हरी चटनी रहती है वो धनिया की चटनी, लेकिन वो धनिया की चटनी घास की चटनी होती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। लेकिन ठीक है, हम लोग अभी जाम इस पकड़े हुए हैं, बाकी सबसे अच्छा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब खाने लायक तो है कि बाकी सबको देखिए। जैसे जैसे जूम नहीं हो पा रहा, नहीं जूम नहीं हो पा रहा सब्सक्राइबर ही है, देखिए वहाँ जैसे कि, अरे यार जूम कहाँ, अबे जूम नहीं हो रहा। जैसे कि ये देखिए जो खड़े हैं, तो यहाँ पे हमारे ये हमारे मित्र हैं, नहीं ठीक है। जैसे कि कहीं देख रहे हैं यहाँ भाई को एक कुत्ता पीछे कर लग रहा है, इन दोनों की पुरानी मित्रता है, ठीक है। लगता है उसको बिस्किट चाहिए, ठीक है। बुला रहे हैं अभी कालू, तुरंत प्रभाव के साथ नाम भी रख दिया गया है। कलुआ जैसे कि देख रहे हैं भाई, ये कुत्ता नहीं भाग रहा है यार, तो आप लोग कोई ऐसी टिप बताइए जिससे भाग जाए, ठीक है। पोपट हो गया, ये कुत्ता भाग ही नहीं रहा, अब इसको कैसे भगा? कलुआ भाग यहाँ से, अब यार बड़ा मार मारेंगे। अच्छा अच्छा शिवाज आप नहीं आएगा? अरे वो तेरा अंडा सूंघ गया यार, फिर आ रहा है। अरे तेरा ही दोस्त है, बिछड़ा हुआ मिल गया आज। हाँ हेलो करो, चल चल निकल भाग यहाँ से। तो गाइस ये नहीं भागने वाला, तो आइए आपको दिखाते असली राजस्थान। तो देखिए बहुत शानदार तरीके से बैठा है, कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हैं आप। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं असली राजस्थान। तो शिव जी अच्छा से एक बार उधर से पूरा ऐसे घुमाते, कहाँ दिखाए, पूरा झाड़ी झाड़ तो है। ये है इधर इधर इधर, ये है हमारा असली राजस्थान, जहाँ पे बस आगे आ जाओ आवाज नहीं जाएगा। तो गाइस देखिए ये हमारा असली राजस्थान, यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये पीछे का सीन है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये घास वगैरह का खेत और जो भी खेत होगा वही मिलेगा, किस चीज़ का खेती होता है ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन देखिए यही है, और इधर दिखाइए कुछ खास है नहीं यहाँ पे, सब कुछ बस ऐसे ही है। तो देख लीजिए यही हम लोग इसी जगह पे अभी रहते हैं फिलहाल, बाकी अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट अभी यहीं पे रहते हैं। तो आसपास का सब कुछ दिखा दिया आपको कि कैसा है यहाँ पे जगह। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोड्स के साइन नोटिफिकेशन आपके टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। चल भाग यहाँ से।
तो गाइस चल भाग यहाँ से, याद आया कि एक भाई है जो कि जिनका सर सोएब खान ऐसे ही करके नाम है ना, हाँ, तो वो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं चल भाग यहाँ से। और मतलब ये मेरा जो भी मतलब दोस्त लोग है, इन लोग को इतना ज़्यादा पसंद आता है ये कमेंट कि बोलता है कि यार कौन है ये बंदा जो मतलब बार बार कमेंट करता है चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। और ये सब हर बात में हमको बोलते रहता है कि चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।